हेलो, आई एम दीपिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, उसी में किंगडम की क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट देखेंगे। किंगडम लीनियन हायरार्की जो लीनियस ने इंट्रोड्यूस की थी, अपना जो हायरार्की क्लासिफिकेशन जिसमें रैंक्स बनाई गई थी, उसमें किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट रैंक थी, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी थी। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज़ कैटेगरी से रैंक्स आती हैं। बाद में फाइलम या फिर जिसे डिवीज़न कहते हैं बॉटनी में, और फैमिली को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें, और सबसे लास्ट में 1990 में इसमें डोमेन जो रैंक है वो इंट्रोड्यूस की गई, जो कि किंगडम से भी ऊपर की रैंक है। तो ये लीनियन हायरार्की है जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइफ या जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको डोमेन, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन में उनको प्लेस किया जाता है इस ऑर्डर में। किंगडम के बारे में आज हम देखेंगे कि अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने कैसे अलग अलग किंगडम्स दिए। तो किंगडम सबसे पहले अगर हम देखें तो शुरुआत से ही जब से टैक्सोनॉमी शुरू हुई या क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, वर्गीकरण शुरू हुआ, तो ऑर्गेनिजम्स को दो बेसिक किंगडम्स में बांटा गया, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस थे और इनके बीच के डिफरेंसेस भी आसानी से पता चलते थे। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये अरिस्टोटल ने जैसे अपनी हिस्टोरिया एनिमेलियम में एनिमल्स के बारे में लिखा, थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरा में प्लांट्स के बारे में लिखा, तो ये हमेशा से ही दो किंगडम रहे हैं बेसिक, प्लांट्स और एनिमल्स। लीनियस ने भी यही दो किंगडम दिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इसके अलावा उन्होंने किंगडम मिनरल्स के लिए भी दिया था। तो ये जो दो बेसिक किंगडम है, प्लांट्स और एनिमल्स, तो इनके बीच के डिफरेंसेस काफ़ी ऑब्वियस होते हैं। जैसे कि जो किंगडम प्लांटी है उसमें सभी प्लांट्स आएंगे, जिनमें सेल वॉल पाई जा रही है, सेलुलोज की सेंट्रल वैक्यूल है सेल में, ये अपना जो भोजन है खुद ही निर्माण करते हैं, ऑटो ट्रॉफी शो करते हैं, होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इनका, इनका रिजर्व फूड स्टार्च होता है, मस्कुलर टिश्यू या फिर जो लोकोमोशन है वो इनमें एब्सेंस शो करते हैं उनकी, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही स्लो होता है। जबकि एनिमल्स जो है उनके अपोजिट कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के कंपैरिजन में, जैसे कि एनिमल्स में तो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो होलोजॉइक टाइप का होता है, ग्रोथ लिमिटेड है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, ये अपना भोजन या फूड जो है खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जा रहा है, लोकोमोशन पाई जा रही है, मस्कुलर टिश्यू और क्विक रेस्पॉन्स देते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे ये दो किंगडम है, प्लांटी एनिमेलिया, बहुत ही फंडामेंटल किंगडम थे। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना कि जो ना तो प्लांट्स में आ रहे हैं ना एनिमल्स में, उनमें जो है दोनों ही तरह के कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूग्लिना जो है, इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स थे जिनको तब तक जो है डिस्कवर नहीं किया गया था माइक्रोस्कोप की ना होने की वजह से, वो प्रोकैरियोट्स भी इन दोनों ही किंगडम्स में कहीं फिट नहीं होते, फंजाई हैं वो फिट नहीं होते। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही बेसिक टाइप का है, और इसे फिर बाद में आगे जाकर इसको और एक्सटेंड किया गया और किंगडम्स इसमें जो ऐड किए गए। तो 1866 में आर्नस्ट हीकल ने एक नया किंगडम प्रपोज किया था, प्रोटिस्टा। ये किंगडम जो है प्रोटिस्टा का ये टर्म है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल या प्रिमोडियल, यानी ऐसी सभी प्रिमिटिव फॉर्म्स जिनमें बैक्टीरिया भी इंक्लूड किए गए, या कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ना कि प्लांट्स थे ना एनिमल्स, उनको हीकल ने इस किंगडम में रखा। तो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हीकल ने क्या किया, प्रोटिस्टा में रखा। और हालांकि इसमें जितने भी यूनिसेलुलर थे वो आ गए, लेकिन इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिस्टिंक्शन नहीं है, तो दोनों इसमें इन्वॉल्व हो गए, बैक्टीरिया भी और जो यूकैरियोट्स थे वो भी इसी में आ गए। प्रोटिस्टा फिर
प्लांटी और एनिमिलिया, इस तरह उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है प्रपोज किया। इसके बाद 1925 में चेटॉन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो एम्पायर या सुपर किंगडम्स दिए जिनको बाद में डोमेन नाम दिया गया, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। ये डोमेन्स हैं प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इन दो डोमेन्स के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद जो है एक फोर किंगडम का क्लासिफिकेशन कंसेप्ट और है जो कि हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने 1938 में दिया है, जिसमें उन्होंने चार किंगडम बना दिए। उन्होंने क्या किया, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश किया, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ये जो डिफरेंसेस हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपस में कैसे डिफर करते हैं वो सामने आ चुके थे। तो इसलिए उन्होंने एक नया किंगडम बनाया मोनेरा, जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए, प्लांटी जिसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, और एनिमिलिया जिसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ये चार किंगडम का कंसेप्ट था कोपलैंड का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सबसे एक्सेप्टेड किंगडम कंसेप्ट था वो है आरएच रॉबर्ट एच विटेकर का, जिसमें उन्होंने एक और किंगडम प्रपोज किया फंजाय, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि प्लांट किंगडम में नहीं रखे जा सकते क्योंकि उनके कैरेक्टर्स एनिमल्स की तरह होते हैं। लेकिन ये जो फंजाय हैं इनका जो ग्रुप विटेकर ने बनाया वो एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है, वो उन्होंने केवल उनके इकोलॉजिकल रोल के आधार पर इसे बनाया है, क्योंकि ये सभी जो जितने भी जीव इस ग्रुप में आते हैं, इस किंगडम में आ रहे हैं फंजाय में, वो सभी जो है डिकम्पोजर्स होते हैं इकोसिस्टम के, तो ये सभी मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स हैं। तो विटेकर ने जो क्राइटेरिया मेनली यूज़ किया था वो था प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होने का, ऑटोट्रॉपी या हेटरोट्रॉपी का मेनली, और यूनिसेलुलरिटी या मल्टी सेलुलरिटी का। तो ये तीन तरह के क्राइटेरिया विटेकर ने यूज़ किया और पांच किंगडम का कंसेप्ट दिया, जिसमें पहला किंगडम मोनेरा है जिसमें खाली जो है प्रोकैरियोट्स आते हैं आपके, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी डिकम्पोजर्स होते हैं बायोस्फीयर में, इकोसिस्टम में। बेसिकली सभी ये यूनिसेलुलर हैं, सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ग्रुप है आर्की बैक्टीरिया जो कि अभी बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसके अलावा इनका न्यूट्रिशन बहुत ही वेरी करता है, जो बैक्टीरिया हैं वो जो मोनेरन्स हैं वो सेप्रोबिक, पैरासिटिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक या सिम्बायोटिक होते हैं। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं इनकी, यूनिसेलुलर हैं, सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज की नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। एक एनवलप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है, वन एनवलप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अंदर कोई और जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स है वो एब्सेंट है, यानी कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर पाई जा रही है। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं है, डीएनए जो है इनका हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, सेंट्रियोल्स एब्सेंट हैं। इसके अलावा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। तो ये किंगडम मोनेरा है। उसके बाद जो दूसरा किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं इनमें आपके फ्लैजलेट्स, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोन्स, सार्कोडाइन्स, ये सभी इंक्लूड किए गए हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। ज़्यादातर इनमें से एक्वेटिक होते हैं और प्लैंकटन फॉर्म करते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स। अगर वो फोटोसिंथेटिक हैं तो उन्हें फाइटोप्लैंकटन्स कहा जाता है, लेकिन अगर वो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है उनका, तो वो जूप्लैंकटन फॉर्म करते हैं। तो इनका न्यूट्रिशन है प्रोटिस्टेंट्स का, सब ज़्यादातर का होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है इनमें, तो उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। लेकिन हालांकि इन्हें एनिमिलिया किंगडम में नहीं रखा गया है। तो ये जितने भी प्रोटिस्ट हैं, ये जो एक नेचुरल ग्रुपिंग नहीं है हालांकि, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रखे हैं जो एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं करते।
इनमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी जिन्हें कहते हैं, एक ग्रुप उनका है। दूसरा ग्रुप स्लाइम मोल्ड्स का है जो कि कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहलाते हैं। तीसरा ग्रुप है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का। तो ये सभी प्रोटिस्ट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इतना सिमिलैरिटीज़ या रिजेंबलेंस नहीं रखते, तो ये नेचुरल ग्रुप बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो ग्रुप है वो है फंजाई का। जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स हैं, इनका जो इकोलॉजिकल रोल है उसके बेसिस पे इन्हें साथ में क्लासिफाई किया गया है, किंगडम में रखा गया है। इसमें मोल्ड्स, माइल्ड्यूज, ईस्ट, रस्ट कॉजिंग फंजाई, पेनिसिलियम, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, सभी तरह के फंजाई इसमें आते हैं, जो जिनमें कि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। पहले हालांकि इन्हें प्लांट्स में रखा जाता था, लेकिन अब इनके लिए सेपरेट किंगडम फंजाई है। ये सभी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इनका, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं जैसे लिकेंस, माइक्रोहाइजा। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक हैं, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इनमें पाए जाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये किंगडम जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स हैं, मिनरलाइजर्स हैं बायोस्फीयर के। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है आपका प्लांट्स का, जो कि आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है बेसिकली। इसमें आपके एल्गी और इससे ऊपर के जो प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सभी इसमें इसी में इंक्लूड किए गए। यूकैरियोटिक हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, यूजुअली फिक्स्ड होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल पाया जा रहा है। तो जितने भी प्लांट्स के कैरेक्टर्स हैं वो सब इनमें हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का हो सकता है। एनिमल से बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स हैं इनके। एनिमेलिया जो किंगडम है वो है आपका मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स का किंगडम, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें प्रोटोजोआ को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के वो सभी इंक्लूड हैं। यूकैरियोट्स हैं, आपके अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है, सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं पाई जा रही। और हेटरोट्रॉपिक होते हैं न्यूट्रिशन में, रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल होता है इनमें। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो किया RH विटेकन ने, इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम में मोनेरा में रखा गया, इसी तरह यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया गया, फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया। लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि इसमें एल्गी को जो पिटेकर हैं उन्होंने प्लांट्स के साथ में रखा है, जबकि कई सारी ग्रीन एल्गी जो इनमें सेलर होती हैं, और ये जो प्लांट्स का किंगडम है ये मल्टी सेलर ग्रुप है। इसी तरह वायरसेस को सिस्टम और क्लासिफिकेशन में कहीं भी प्लेस नहीं किया जा सकता। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही की जो किंगडम है ये ऐसे हैं जिनमें आपस में काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज पाई जा रही हैं, कई एक तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं रखे गए हैं इनमें, तो ये नेचुरल ग्रुप्स नहीं हैं। ये सब ड्रॉबैक्स हैं इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। लेकिन इससे आगे भी और किंगडम्स प्रपोज किए गए, जैसे कि एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कंसेप्ट दिया वूस एट एल ने 1977 में, जिसमें उन्होंने मोनेरा को दो और किंगडम्स में बांट दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। इस तरह से छह किंगडम्स हो गए। इसके अलावा तीन डोमेन का एक कंसेप्ट और दिया बूस एटल ने 1990 में, जो कि RRNA की 16SRRNA की जो स्टडीज़ की गई, रिजेंबलेंसेस सीक्वेंसेस की, उस पर बेस्ड था। उन्होंने तीन लार्ज डोमेन्स दिए हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक है डोमेन की हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में। इसमें उन्होंने जो तीन डोमेन्स दिए उनमें एक है बैक्टीरिया, एक आर्किया और एक यूकेरिया।
यूकेरियोट्स और आर्किया आपस में ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एज़ कम्पेयर टू यू बैक्टीरिया। फिर तीन डोमेन दिए आपके बूस एटेल ने। इसके अलावा भी कई और किंगडम सिस्टम्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, पर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कंसेप्ट है विटेकर का, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है और सबसे ज़्यादा स्टडीड किया जाता है।